subscribes Drizzle channel, then please subscribe it now. अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चकोर लकीर खींची और इसके बीच में एक लकीर खींची और इस बीच वाली लकीर के दोनों तरफ बहुत सी लकीरें खींची। एक लकीर चकोर लकीर से बाहर खींची और फरमाया, क्या तुम जानते हो ये क्या है? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दरमियानी लकीर इंसान है और इसके चारों तरफ जो लकीरें हैं वो अवारज यानी बीमारियां हैं। जो इसको हर तरफ से डसती या नोचती और काटती रहती हैं। अगर एक से बचता है तो दूसरी में मुब्तला हो जाता है। चकोर लकीर इसकी उम्र है जिसने अहाता कर रखा है और बाहर वाली लकीर इसकी आरजू है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4231 2238। حدثنا أبو بشر بكر بن خلف وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثني أبي عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مربعا وخطا وسط الخط المربع وخطوطا إلى جانب الخط الذي وسط الخط المربع وخطا خارجا من الخط المربع فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا إله ورسوله أعلم. قال هذا الإنسان الخط الأوسط وهذه الخطوط إلى جنبه الأعراض تنهشه أو تنهسه من كل مكان فإن أخطأه هذا أصابه هذا والخط المربع الأجل المحيط والخط الخارج الأمل.